अगर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं, आपका चैनल शॉर्ट्स के रिगार्डिंग है या फिर लॉन्ग्स के रिगार्डिंग है, आपका YouTube चैनल का मिनी क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है या फिर फुल क्राइटेरिया, दोनों में से कोई भी हो, प्रोसेस एक ही है। बट किसी भी YouTube चैनल को अगर मोनेटाइज करेंगे तो आपको गूगल एडसेंस जरूर से बनाना पड़ेगा। जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेप टू में इन प्रोग्रेस चला जाता है, और जब आपका YouTube चैनल क्रिएट हो जाता है कंप्लीटली, फिर स्टेप थ्री में इन प्रोग्रेस चला जाता है। स्टेप थ्री में यूट्यूब की टीम आपके चैनल को चेक करती है क्या आपका कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग सही भी है या नहीं। वो रियूज कंटेंट चेक करेंगे, रिपीटेड कंटेंट चेक करेंगे, कहीं और से आपने कहीं उठा के तो नहीं डाला, मिक्स कंटेंट तो नहीं डाला, आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट तो डाला, हेट स्पीच तो नहीं डाली, इस तरह कंटेंट वो चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है सब कुछ सही है तो आपका YouTube चैनल हो जाता है मोनेटाइज। मोनेटाइज के बाद भी आपको अपने YouTube चैनल पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है जो कि आपको अर्न ऑप्शंस में करनी पड़ती है। आपको वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड एड्स भी आपको इनेबल करने पड़ते हैं। अगर आप ये इनेबल नहीं करते तो आपका YouTube चैनल मोनेटाइज तो है बट नहीं बनेगा। बट ये सब प्रोसेस कैसे करते हैं वही तो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट से पहले मैंने एक प्लस पॉइंट भी बताया है जिससे कि आपके YouTube चैनल पे आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पॉइंट आपको जरूर से सुनना है। बट दोस्तों अभी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि सबसे बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं टेक्निकल इसरार, इसी वजह से भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, कसम है आपको। कसम इस वजह से दे रहा हूं, जब आपके चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी कोई भी साथ देने वाला नहीं है, सब वीडियो बनाने के चक्कर में है, व्यूज छापने के चक्कर में, पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपके भाई ने बहुत सारी हेल्प करी है ऑलरेडी, किसी के साथ भी प्रॉब्लम आती है। एक यूट्यूबर का विकास एंगल का मेरे पास मैसेज आया और रात के 12:30 बजे के आसपास उसका हाईजैकिंग का फॉर्म भरा और 6 घंटे के बाद ही उसका चैनल वापस भी आएगा। इसी वजह से भाई जिसको भी सब्सक्राइब करो दिल से करो, हम भी दिल से सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है या मिनट क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है आपका, उसके बाद आपको अपना यूट्यूब चैनल अंडरव्यू में डालना है, आपका चैनल पे शॉर्ट क्राइटेरिया भी कंप्लीट हुआ है बट आपका यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है अप्लाई करने का, इसका मतलब है कि कहीं से न कहीं से आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है तभी अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। इस अप्लाई ऑप्शंस पे आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शंस मिलेगा कि पहले से आपको कोई पास एडसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि सेलेक्ट करना पड़ेगा नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, यूजर नेम पासवर्ड बोलेगा कि आप किस ईमेल आईडी पे अपना एडसेंस बनाना चाहते हैं। काफी सारे लोग यही भी मिस्टेक करते हैं, वो जो YouTube चैनल की ईमेल आईडी देते हैं उसी ईमेल आईडी पे अपना एडसेंस बनाते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है तो आपका एडसेंस भी हैक हो जाएगा। इसी वजह से YouTube चैनल की ईमेल आईडी अलग और Google एडसेंस की ईमेल आईडी अलग होने चाहिए, यानी कि यहां पे आपको न्यू ईमेल आईडी ही आपको सेलेक्ट करनी है। पर न्यू ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले न्यू ईमेल आईडी ही बना लो, और जब यहां पे नो आई डोंट हैव एडसेंस का एक्शन का बटन आप क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यूजर नेम और ईमेल, यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पे वो वाली ईमेल आईडी सेलेक्ट करना जो आपने अभी अभी बनाई है, यानी कि न्यू ईमेल आईडी बनाई है, उसके बाद क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, उसको आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में आपको अपनी पूरी डिटेल भर देनी है। याद रखना ये गूगल एडसेंस का फॉर्म है, अगर आपके नाम से पहले से कोई एडसेंस है तो ये फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना, अपने नाम से मत भरना। आप अपने फैमिली के नाम से भर सकते हो, पापा मम्मी भाई बहन ताऊ चाचा दादी नानी नानी फूफा फूफी मौसा मौसी सबके नाम से आप भर सकते हो, बट अपने नाम से नहीं भर सकते क्योंकि आपके नाम से ऑलरेडी एडसेंस बना हुआ है। सब डिटेल फिल करने के बाद में आपको सबमिट क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका स्टेप टू में इन प्रोग्रेस चला जाएगा। स्टेप टू में प्रोग्रेस करने के बाद में 24-48 घंटे में YouTube की टीम चेक करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पहले से कोई एडसेंस बना रखा है, अगर बना रखा होगा तो वो स्टेप टू में एरर भेज देगी, इस तरह का एरर भेज देगी। अगर ऐसा एरर ना भेजे तो आपका यहाँ पे स्टेप टू में डन दिखाई देगा। अगर डन दिखाई दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका गूगल एडसेंस कंप्लीटली बन गया है जिसके नाम से आपने बनाया था। उसके बाद आपका YouTube चैनल जाएगा अंडर रिव्यू में, तीसरे नंबर पे इन प्रोग्रेस चला जाएगा, स्टेप टू में डन आता है, ऑटोमेटिक चला जाता है, करना नहीं पड़ता। उसके बाद आपकी YouTube की टीम अब चेक करती है, अगर उनको लगता है कि भाई आपका YouTube चैनल बिल्कुल ओके है तो वो आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं। जब मोनेटाइज करते हैं तो आपको एक ईमेल भेजा जाता है, ईमेल में लिखा जाता है कि वेलकम टू आपका YouTube चैनल जो भी है ये वो शो, और आपका YouTube चैनल हो जाता है मोनेटाइज। जब मोनेटाइज हो जाएगा ऊपर की तरफ भी आपको लिखा जाएगा भाई आपका YouTube चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। बट अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेटिंग। बस सेटिंग आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, क्या क्या बात को ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में अब आपको स्क्रीन पर लेकर समझाता हूं। आप अपने गूगल क्रोम में ये सेटिंग कर सकते हो, अगर गूगल क्रोम में ना कर पाए तो गूगल क्रोम में फाइल के ऑप्शंस में डेस्कटॉप मोड का ऑप्शंस होता है, उसको आप इनेबल कर लीजिए। मैं यहां पे आपको पीसी पे लेके चलता हूं, सब सेटिंग में आपको समझाने वाला हूं। बट उससे पहले एक ईमेल दिखा देता हूं जो सबसे ज्यादा खुशी होती है इस ईमेल की, तो भाई कमाल की खुशी गजब कर देती है ये ईमेल जब आपके पास आती है। देख सकते हो वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, और ये है लिखा है
पंजाब द अपना स्वाद, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके इतने सब्सक्राइबर है, अर्न का ऑप्शन है, और आप देख सकते हो यहाँ पे चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिशर आईडी है। एक बात याद रखने की है कि पब्लिशर आईडी अपने नोट करके रख लो, कई बार ऐसा होता है जब आपका चैनल हैक होता है तो आपको पब्लिशर आईडी मांगा जाता है। साथ ही साथ ये मैंने जो है 20 अगस्त को मैंने ये इंटरव्यू में डाला था, और ये आप देख सकते हो 21 अगस्त को ही ये यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था, ठीक है, इसका मतलब कुछ ही घंटों में हो गया था। अब बात करते हैं कि भाई हम एड्स कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए वॉच पेज है, शॉर्ट फीड एड्स है, मेंबर्स है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यह यू आर ए पार्टनर प्रोग्राम और गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि कॉन्टेंट में अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हो कोई भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि पैसा कुछ नहीं कमा रहा। और डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे भी देखोगे कुछ $0 नहीं है, पर जब आपका यूट्यूब चैनल कंप्लीटली जो है एड्स लग जाती है तो यहाँ पे जो 0.00 करके डॉलर भी आ जाते हैं। तो हम अर्न के ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। लिखा है अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज एड्स के लिए है, तो टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। ये बताया गया इसने कंडीशंस के क्या कंडीशंस है, वो ये 55% जो है ना क्रिएटर को मिलेगा और 45% यूट्यूब रखेगा, ये बताया गया। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये बोलेगा कि भाई हम आपके जो वीडियो है उस पे जो है ना प्री रोल, मिड रोल, पोस्ट रोल और नॉन स्किपेबल और स्किपेबल ऐड आपको लगाए जाएंगे। बिल्कुल लगा तो रियल लिखा है प्लेस ऐड ड्यूरिंग द मिड रोल, अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ज्यादा है तो हम जो है ना मिड रोल ऐड लगाएंगे। तो यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है ऑल ऑफ माई एग्जिस्टिंग वीडियो, यानी कि जो मोनेटाइज करना चाहते हैं, जितने भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है सभी पे करना चाहते हो, बिल्कुल 101% करना चाहते हैं तो मोनेटाइज ऑल पे क्लिक करें। क्लिक करते ही ये क्या बोल रहा है, यू आर अर्निंग फ्रॉम एड्स, यानी कि एड्स अब इनेबल हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच पेज ऐड आ चुका है, यानी कि अभी लॉन्ग वीडियो पे ही एड्स आ रही है। कंटेंट पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये अपडेट कर रहा है, ये देखो अपडेटिंग वीडियो, और अभी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन इजिली आ गया है। उसके बाद हम दोबारा से अर्न के ऑप्शन में जाएंगे। ये बोल रहा है कि वॉच पेज एड्स तो आपका कंप्लीट कर लिया, अब शॉर्ट फीड ऐड की बात करें, शॉर्ट फीड ऐड के लिए भी टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे और इसने रेवेन्यू शेयर भी बताया है। शॉर्ट मोनेटाइजेशन मॉड्यूल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक पोल में इकट्ठा करते हैं ये सभी, इसने बताया 45% जो है ना यूट्यूब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आपका रखेगा, 55% वो रखेगा। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। इसका मतलब क्या है कि अब आपका शॉर्ट भी मोनेटाइज हो गया है। कैसे, अगर ओवरव्यू में जाएंगे तो वॉच पेज ऐड और शॉर्ट फीड एड्स दोनों हो गए हैं। देखो सुपर चैट भी है यहाँ पे, अगर सुपर चैट को इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे आई हैव पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। इसका मतलब क्या है कि ये भी मोनेटाइज हो गया है और सुपर का ऑप्शन आ गया। अगर हम ओवरव्यू में जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हाँ आ गया है ना, तो यहाँ पे सुपर पे वैसे इनको इनेबल करना पड़ेगा आपको। एक इनेबल, सभी इनेबल हो गए हैं, और उसके बाद अगर हम ओवरव्यू में जाते हैं तो वॉच पेज है, शॉर्ट फीड ऐड और यहाँ पे सुपर, यानी कि इन तीनों से अब अर्निंग होने वाली है। अगर आप मेंबर करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्लिक करेंगे एक्सप्लोर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार स्टार पे भर देंगे। अगर आपको ये करना है मेंबरशिप का तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया एटो चैट। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टेंट मोनेटाइजेशन की। देखो ये चल रहा है और ये हो गया 211 वीडियो पब्लिश हो चुकी है, क्योंकि कुछ वीडियो उसकी अनलिस्टेड होगी तो शायद इस वजह से नहीं हुआ होगा, बट हाँ ऑलमोस्ट सभी वीडियो पे यहाँ पे ऑन आ चुका है, एड्स आ चुकी है। इसका मतलब है कि अब अपने यूट्यूब चैनल पे आप दबा के वीडियो अपलोड करो, दबा दबा के शॉर्ट वीडियो अपलोड करो और आपका जो रेवेन्यू है वो आपके यहाँ पे आता रहेगा। तो इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल का कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, अब एड्स भी आएगी, पैसे भी कमाएंगे दबा दबा के। बट लास्ट में वही बात बताना चाहूंगा जो कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोली थी कि एंड से पहले एक बोनस टिप दूंगा। बोनस टिप ये है कि अब आपके यूट्यूब चैनल पे एड्स आना स्टार्ट हो गई है, आपको बार बार अपनी एड्स को नहीं देखना, क्योंकि अगर आप ऐसा देखोगे तो हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से एडसेंस परमानेंटली क्लोज हो जाए। इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गई तो कोई भी माइकल लाल आपके एडसेंस को ओपन नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। दूसरा, जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको बिल्कुल नहीं पता रहता है कि हमारी पेमेंट कब आएगी, कौन सी डेट को रिलीज होती है, हमें क्या क्या करना होता है। तो ये मैंने यूट्यूब के लिए यूट्यूब साइकिल एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को देख लो, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा ए टू जेड कि कब कब क्या क्या करना पड़ता है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर फिर भी आप चाहते हो नहीं भाई इसरार भाई आपसे ही बात करनी है तो भाई कॉल बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हो, फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट सबसे पहले आपको कॉल बुक करनी पड़ेगी तभी मेरे से बात हो पाएगी। अगर आप डायरेक्ट फोन करोगे या मैसेज करोगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, कॉल बुक करने के बाद में रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि टीम का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो टीम का जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो मेरे से बात होगी, वो बंदा
बंदा मेरे से बताएगा और मैं आपसे उसका आंसर दूंगा। कॉल बुक करने का जो चार्ज है वो व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा। ये नंबर ज्यादा लीक मत करना, अपने पास ही रखना, ज्यादा किसी को मत बताना क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए नंबर है। बार बार फोन और मैसेज मत करना, कोई हेलो हाओ हेलो का मैसेज करेगा उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप मैसेज करिए, पूरी बात को एक बार में ही लिखिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।